हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पवित्र सावन का पवित्र महीना समस्त संसार शिव में हुआ जा रहा है। ऐसे में शिव परिवार में कुछ चीज़ें आप जब पूजन करते हैं तो बहुत प्रेम से चढ़ाना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम चढ़ा दें तो भोलेनाथ हमसे रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भोलेनाथ भोले हैं हमारी छोटी सी पूजा को, सरल किसी पूजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं जब वो क्रुद्ध होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको अप्रिय है वो चढ़ाने से, तो माना जाता है पूरा सृष्टि हिल सकता है। अगर आप भी अपने घर में इस सावन में या कभी भी शिवजी की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं, लिंग अवतार को स्थापित कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, समझ लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि यूजुअली बेस्ट होता है कि आप किसी मंदिर में जा कर के शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा अनुसार या अपने घर में भाव भक्ति से आप शिवलिंग स्थापित भी करते हैं तो नियम से करना चाहिए। ऐसे कहीं भी कुछ भी करके शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, कोई लोग जिनके पास बड़े घर होते हैं वो तो खुले में कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास छोटे छोटे घर होते हैं, कम जगह होती है, वो कई बार बंद जगहों पर शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं। कोई स्टोर जैसा बना करके वहाँ पे रख देते हैं, बस उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हमेशा खुले खुले में साफ सुथरी जगह पर आपको शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। घर में जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे उसमें आप ध्यान रखें कि अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, और हमेशा शिवलिंग के साथ साथ आपको शिव परिवार भी जरूर रखना चाहिए। गौरी माता और गणेश जी की प्रतिमा खासकर जरूरी होती है। बेल का फल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, दूध दही घी चीनी शहद आदि से अभिषेक करें, आकड़े का फल चढ़ाएं, आकड़े का फूल चढ़ाएं, धतूरे का फूल आदि चढ़ाएं, ये शिव जी को बहुत प्रिय होता है। भांग चढ़ाएं, भांग के पत्ते चढ़ाएं, शमी के पत्ते चढ़ाएं, ये सभी भगवान शिव को बहुत बहुत प्रिय होते हैं। सफ़ेद फूलों से बाबा शिव की पूजा करें, लेकिन ध्यान रखें चंपा और केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी सिंदूर रोली जो कि स्त्रीत्व के सूचक होते हैं, लिंग को हम क्या मानते हैं, जो शिवलिंग होता है वो पुरुषत्व का सूचक होता है, इसलिए उस पर स्त्री की जो चीज़ें होती है जैसे हल्दी श्रृंगार की चीज़ होती है, इसी तरह से रोली और कुमकुम सिंदूर आदि जो स्त्री के श्रृंगार की चीज़ें हैं वो आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का स्थान आपको बार बार नहीं बदलना चाहिए कि आप कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, नहीं, एक जगह स्थापित रखें। और अगर इन केस आपको चेंज करना भी है तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आप स्थान को बदल दें तो आप पहले रुद्र अभिषेक करें उनका, उसके बाद ही उनको स्थापित करें। बिना सांप वाला शिवलिंग आपको घर पे नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह में, लोगों के घर में जैसे जगह की कमी है या आसानी के लिए लोग क्या करते हैं, ले जाके किसी गमले में शिवलिंग को रख देते हैं, और ले जाके कौन से गमले में रखते हैं, शिवलिंग को स्थापित हमेशा तुलसी में कर देते हैं। आपने कई जगह पर देखा होगा पत्थर, शिवलिंग पत्थर जैसा तुलसी में रखा हुआ। कुछ लोग तो शिवलिंग रख देते हैं, पर मैं आपको बता दूं वो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा होती है, शिवलिंग नहीं होता जो कि तुलसी में रखी जाती है। कुछ लोग तुलसी के साथ शिवलिंग को स्थापित करने की गलती कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, हालांकि तुलसी आदि काल से धार्मिक हो आयुर्वेद हो हर जगह तुलसी महत्व रखती है। हर हिंदू परिवार में आपको हर घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वो स्थान पूजनीय होता है, वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु के देवता नहीं आते। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर पे तुलसी लगाई है तो उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। इनके पत्तों को कभी भी चबाना नहीं चाहिए, और तुलसी के पत्तों में पारा धातु बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा वो दांतों से चबाने से दांतों में लग जाता है, तो उसको जल के साथ आपको लेना चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको एकादशी हो, रविवार हो, किसी भी प्रकार का ग्रहण हो और शाम के बाद आपको नहीं तोड़ने चाहिए। बिना प्रयोग के तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, और ध्यान रखें बिना बात के अगर तुलसी के पत्ते बच्चे बच्चे भी तोड़ देते हैं ऐसा उनको बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि माना जाता है पत्ते तोड़ने से मृत्यु का शाप लगता है।
अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इतनी उपयोगी तुलसी शिव जी की पूजा में निषेध बताई गई है। कभी भी ये ध्यान रखना है आपको, शिव पूजा में या शिव जी के परिवार की पूजा, चाहे गणपति देव की भी पूजा हो, आपको उसमें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी निषेध बताई गई है। कभी भी आपको तुलसी के पौधे में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका अपना एक बहुत ही खूबसूरत कथा बताई गई है। श्रीमद देवी भागवत पुराण में बताया जाता है, एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, इससे जालंधर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। इन्हें शिव पुत्र भी कहा जाता था और जालंधर की शक्ति ऐसी थी उसकी पत्नी वृंदा की वजह से, वृंदा यानी तुलसी माँ की वजह से, जिसके पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता जालंधर से मिल करके भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर को अपने बल का अभिमान हो गया था और वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की भी अवहेला करने लगा था, देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा था और इस कदर अत्याचारी हो गया था कि लक्ष्मी माता को विष्णु भगवान से छीन लेना चाहता था। इसलिए उसने वैकुंठ पर आक्रमण किया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जालंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों में आकर के जालंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी माता को बहन मानकर वैकुंठ को चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर गया, फिर देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और महादेव को जालंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जालंधर निष्फल कर देता था। देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जालंधर का वेश धारण करके वृंदा यानी तुलसी माँ के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपने पति जालंधर मानकर उनके पत्नी की तरह उनसे व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। और इस पुराण के अलावा कहीं भी जालंधर को शिव पुत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और इसकी राख के ऊपर तुलसी के पौधे ने जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं और उसने शिव जी को श्राप दिया कि कभी भी उन पर वह नहीं चढ़ाई जाएगी। इसी वजह से इसी कथा के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना निषेध बताया गया है। तुलसी सिर्फ शिव जी को ही नहीं, विष्णु सॉरी गणेश जी को भी बिल्कुल नापसंद है, अप्रिय मानी गई है। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा ऐसी आती है कि गणेश जी गंगा के किनारे जब तप कर रहे थे तो तुलसी माँ ने उनसे अपनी विवाह की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन गणपति देव ने उन्हें मना कर दिया था। गणेश जी की तपस्या भंग हो गई और तपस्या भंग करने पर गुस्साए भगवान गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं। इसी बात से माता तुलसी गुस्सा गई और गणेश जी को श्राप दिया कि उनके दो विवाह होंगे। गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा, शंखचूर्ण यानी कि जालंधर से होगा। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर के तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब भगवान गणेश ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम भगवान विष्णु और कृष्ण जी की प्रिय हो जाओगी, कलयुग में जगत को के जीवन को मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाएगी, इसे अशुभ माना जाएगा। उसी दिन से भगवान गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। कुल मिलाकर इसका मतलब है शिव परिवार को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भी आदत है कि आप तुलसी के पौधे में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति या फिर आप शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं या कोई भी शिव परिवार को नंदी आदि को स्थापित कर देते हैं, तो ऐसी गलती आपको लाइफ में नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं तो अच्छाई की जगह वो बुराई होने लगती है। अगर आपको रखना ही है पौधे में, आपके पास घर में जगह नहीं है, तो आप आंकड़े के पौधे में रख सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं, किसी शम्मी के पौधे के नीचे रख सकते हैं। जहां भी रखें एक पात्र उनके ऊपर यानी कि जलेरी जो कहते हैं वो उनके ऊपर आपको जरूर देनी चाहिए। कम से कम जो जल आप चढ़ाते हैं, लोटे में आपने देखा होगा हर जगह शिव जी के ऊपर एक लोटे में जल रहता है, उसमें से टुप टुप करके पानी टपकता रहता है, वो आपको कम से कम फागुन पूर्णिमा से लेकर के सावन की पूर्णिमा तक जरूर लगाना चाहिए। नियमित रूप से जहां भी रखें शिवलिंग उसकी पूजा जरूर करें, रोज उनको जल चढ़ाकर चंदन चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, इससे शिवलिंग शीतल रहता है।
दीप जलाएं। दीप अगर आप जलाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो दीप दिए का ताप है वो शिवलिंग को नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमेशा जब भी दीप जलाते हैं शिवलिंग से दूरी बना करके आपको चढ़ानी चाहिए। जो भी प्रसाद आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वो प्रसाद कभी भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप परिवार की देख रेख करते हैं इसी प्रकार से शिव परिवार की भी आपको देख रेख करनी चाहिए। शौक के तौर पे कभी भी शिवलिंग को और शिव परिवार को घर पर शो ऑफ बना करके नहीं रखना चाहिए। नियम अनुसार पूजा करें, नहीं अगर घर में पॉसिबल है इतना नियम उभाना आप किसी मंदिर में स्थापित कर दें, मंदिर में जाकर के पूजन करके आएं जहां पे पंडित जी उनकी केयर कर सकते हैं। इस तरह से आपको शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, आज के बाद हमेशा मैं बताती हूँ कि शिवलिंग पे तुलसी नहीं चढ़ाना है, तुलसी नहीं चढ़ाना है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग पे तुलसी चढ़ाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। आपने जो भी पूजा पाठ किया है वो सभी के फल पुण्य प्रताप नष्ट हो जाते हैं। कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो अक्सर ये गलतियां करते हैं कि किसी भी तुलसी के पौधे में ले जा करके शिवलिंग को स्थापित कर देते हैं, उनको ये समझा दें आज के बाद ऐसी गलतियां ना करें। सभी से शेयर करें दोस्तों, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।